لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सैयद साद कादरी को और बेल आइकॉन दबाएं मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक भाई ने सवाल किया कि शैतान मौत के वक्त आकर इंसान को जो बहकाता है उसके बारे में बताएं। लाइव सेशन में सवाल आया था, मैंने कहा था कि इसको मैं एक दर्स की सूरत में आप तक पहुँचाऊँगा। किताब का जो हवाला इमाम गजाली की है वो अद्दुर्रुल फाखिरा फी कशफिल उलूम आखिरा, इसके पेज नंबर 511 में। हयाउल उलूम में नहीं, बल्कि मैंने गलती से हयाउल उलूम का नाम दे लिया था लाइव सेशन में। ये अद्दुर्रुल फाखिरा फी कशफिल उलूम आखिरा के सफ़ा 511 पर इमाम गजाली फरमाते हैं कि सकरातुल मौत के वक्त शैतान अपने चीलों को मरने वाले के दोस्तों और रिश्तेदारों की शक्लों में ले आकर आ पहुँचता है और ये सब कहते हैं कि भाई हम तुझसे पहले मौत का मजा चख चुके हैं, मरने के बाद जो कुछ होता है इससे हम अच्छी तरह वाकिफ हैं, अब तेरी बारी है। हम तुझे हमदर्दाना मशवरा देते हैं कि तू यहूदी मजहब इख्तियार कर ले कि यही दीन हक है और अल्लाह की बारगाह में मकबूल है। अगर मरने वाला इनकी बात नहीं मानता तो इसी तरह कुछ और अहबाब के रूप में शयातीन आकर कहते हैं कि तू नसारा का मजहब इख्तियार कर ले क्योंकि इसी मजहब ने हजरत मूसा के दीन को मंसूख किया था। यूं ये आयज़ा और अकरबा की शक्ल में जमातें आकर मुख्तलिफ बातिल फिरकों को कबूल कर लेने के मशवरे देती हैं तो जिसकी किस्मत में हक से मुनहरिफ होना यानी फिर जाना लिखा होता है वो इस वक्त डगमगा जाता है और बातिल मजहब इख्तियार कर लेता है। तो बहरहाल उलमा फरमाते हैं कि ईमान का मामला बहुत हसास है, अकायद व नज़रियात बिगड़ जाना या अल्फाज कुफर की जबान से अदा हो जाना या ईमान ले आना, ये बड़े मामलात बड़े सेंसिटिव हैं। इमाम कुर्तुबी नकल फरमाते हैं कि भाई देखो, सकरात के वक्त शैतान दाईं जानिब से आता है और यहूदी दीन का अच्छा होना बयान करता है और इसके बाप का रूप धार कर यहूदी मजहब कबूल करने के लिए उकसाता है, और अगर कबूल ना करे तो फिर शैतान बाईं तरफ से आता है और उसकी माँ का रूप धार कर ईसाई मजहब को कबूल करने की दावत देता है। और बाज़ रिवायात में है कि शैतान ऐसे मौके पर पानी का प्याला लेकर आता है कि अगर वो कह दे जो मैं कह रहा हूँ और दावत कुफ्र दे रहा होता है यानी तो इस्लाम छोड़कर काफिर हो जाए तो ये प्याला तुझे पेश कर दूंगा। तो बरीकत महमूदिया फी शर्ह तरीकत महम्मदिया जिल्द 1 सफा नंबर 75 पर अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल मौजूद है। अल्लाह ताला हम सब का खात्मा बिल खैर बिल ईमान करे और हमें सुरखुरू फरमाए इस दुनिया में भी और आखिरत में भी, हमें भी, हमारी आहल को भी और हमारी आल को भी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल एड्रेस पर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। इसी तरह आप हमारे ट्विटर के अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पर भी आप हमारे एक से ज़ायद पेजेस हैं, एक इंग्लिश में एक उर्दू में, उन्हें फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई सवाल है तो आप यूट्यूब पर भी पूछ सकते हैं और इन और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके और आप हमें हमारे लाइव सेशंस में भी ज्वाइन कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।